थी कांग्रेस में। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, बच्चों की फीस सुन लेना, आदिवासी बेटा बेटियों, सामान्य वर्ग के हो, किस्सा ऐसा नहीं करता। मैंने बीए के बाद बीएससी में काम कर दी, एक साल बीएससी में काम, और अगले जो चीज तर्क संगत है वो अपन को करना चाहिए। बीए अकेला तो बीएससी और बेटा छोड़ना, एक बार जब बीएससी भी काम बन जाएगी उसके बाद अगली स्थिति करेंगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलेगी। अब मेरा तो ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं क्या बोल रहा। मैं बोल रहा था आप सबको, मैं कहना चाहता हूं संबल योजना जो कांग्रेस ने बंद कर दी मैंने फिर चालू कर दी, और अब आप सुन लो, चाहे मेरे ट्राइबल बेटा बेटी हो और चाहे सामान्य वर्ग के पिछले वर्ग के हो, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। उन्हें संबल योजना बंद कर दी, वो फिर से चालू हो गई। और मेरी बहनों सुनो, मैं लड़ुआ का पैसा भिजवाता था, जन्म देने के पहले 4,000 दो के पर बैठे थे और जन्म देने के बाद 12,000। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी। अब बहनों, बेटा बेटी को जन्म देगी तो दो बेटा बेटियों तक ये 4,000 पहले और 12,000 बाद में 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि बहन जो बेटा बेटी को जन्म देती है वो घर पर रहते आराम कर सके। तीसरी बात, इलाज की व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यहाँ आयुष्मान कार्ड कितने बने? 4.5 लाख बने। सुनो भैया और बहनों, मैं जानकारी दे रहा हूं सबको, होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना में जिनके कार्ड बन गए हैं, भगवान ना करे कभी बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो केवल प्राइवेट नहीं, मतलब केवल सरकारी नहीं, मध्य प्रदेश के प्राइवेट जो अस्पताल है उनमें भी साल में 5